नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची थी। वह लखनऊ कार्यकाल में 1 से 2 जून तक चलने वाले नव संकल्प शिविर में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो भाजपा के सामने झुकेगी नहीं और ना ही पीछे हटेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से बिना निराश हुए लड़ाई लड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे हम सीखेंगे और दोगुनी ताकत से लड़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची प्रियंका ने कहा कि जितना काम हमने किया, जितनी मेहनत हमने की, उसमें 100 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम देश की परिस्थितियों को समझते हैं, हमें दोगुनी मेहनत से अपनी बातों को जनता बीच में ले जाना होगा। शिविर में यूपी के सभी वर्तमान पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके पहले प्रियंका ने 8 मार्च को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था। प्रियंका शिविर में नेताओं के सुझाव पर मंथन करेगी। 9 अगस्त से होने वाली पदयात्रा का खाका भी तैयार किया जाएगा। वही जिलावार 75-75 किलोमीटर यात्राएं निकलेगी। शिविर में डिजिटल मेंबरशिप बढ़ाने, नगर निकाय के चुनाव और संगठन में होने वाले बदलाव पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि 50% युवाओं को चुनाव में संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। सामाजिक न्याय में महिलाओं की भागीदारी पर भी विचार किया जाएगा। ये सब बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पटेल आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसको लेकर भी काफी कुछ यहाँ प्रियंका गांधी कहती नजर आई है। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग चले गए सो चले गए, लेकिन अब जो लोग बचे हैं उनको अब लड़कर यहाँ पर मिलकर लड़ना है। तो पहले आप वो वीडियो सुनिए। आपने सबसे ज्यादा काम किया, चाहे जो भी मामला था, जनता के पास आपने पहुंचने की कोशिश की, आपने जनता की आवाज उठाई, आप सड़क पे आए, लाठियां खाई, हम सब हिरासत में भी लिए गए और हमारे नेता अजय लल्लू जी, आपके नेता, उन्होंने खूब प्रयास किया और खूब जी जान लगा के उन्होंने लड़ाई की, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज मौजूद नहीं है। उनके साथ साथ मोना जी और वीरेंद्र जी, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने चुनाव जीत पाए, उनके लिए भी एक बार आप ताली बजा लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते, तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया, जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं, आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप में, आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हुआ? हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे पब्लिक के सामने। कुछ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, हमने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात। अब आपने ये वीडियो तो सुनाई और प्रियंका गांधी ने किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है, किस तरीके से उन्होंने किन किन लोगों पर, सुनील जाखड़ पे, हार्दिक पटेल पे, कपिल सिब्बल पे बिना नाम लिए कैसे तंज कस दिया है, और यूपी में सियासत को लेकर कितनी ज्यादा तेज तरार नजर आ रही है। वह चिंतन शिविर में प्रदेश मुख्यालय में प्रियंका यूपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ 2 दिन तक बैठक करेगी। प्रियंका गांधी शिविर के निष्कर्षों को प्रदेश के नेताओं के साथ साझा करेगी। इसके अलावा छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग चर्चा कर संगठन को मजबूत करने के संबंध में सुझाव लेगी।
और अजय लल्लू इस्तीफा देने के बाद अभी तक नए प्रदेश की कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए उम्मीद है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी प्रियंका कुछ संभावित नामों पर चर्चा कर सकती है। तो आपने खबर सुनी है और यहाँ पर आपने प्रियंका गांधी को भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने किस किस नेता पर निशाना साधते हुए यूपी की सियासत को और ज्यादा यहाँ पर बदलाव करने की बात कही है। तो देखना यही है कि आगे जो आगे प्रियंका गांधी किस तरीके से यूपी में अपना वर्चस्व बनाते हुए दिखाई देती है। अब आपकी क्या राय खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।